बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पहुंची दो महिलाओं की मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों ही केस बेहद सीरियस थे, जिनके पेट में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया था, जिसके चलते सेप्टिक फैल गया और उनकी मौत हो गई। दरअसल पहले केस में कैन थाना क्षेत्र में चनेटी गांव के रहने वाले अंकुर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिन्होंने 4 अक्टूबर को अपनी पत्नी प्रियंका को सुभाष नगर क्षेत्र में गन्ना मिल के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया था। वहीं आज सुबह महिला की भी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में सिरौली थाना के शिपुरी गांव में रहने वाले महेश की पत्नी मिथिलेश ने सोमवार शाम करीब 7 बजे दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी भी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई थी, जिसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वहीं इन मौतों के बाद मृतकों के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देते हुए मामला शांत कराया। इस बीच एक महिला का शव लेकर परिजन चले गए। वहीं एक साथ 4 मौतों की खबर के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। साथ ही निजी अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौत के इन मामलों को लेकर निजी अस्पताल की डॉक्टर मृंदा जौहरी ने बताया कि दोनों ही महिलाओं के पेट में मरे हुए बच्चे थे। किसको? क्या नाम है? उसके ब्लड थी और बच्चे में पानी कमी थी। हाँ, मैडम बोली कि बच्चे को थोड़ी दिक्कत है, बच्चा सही था वैसे, बोली बच्चे को दिक्कत है, मैं इसका ब्लड चला लूँगी, पानी बच कर दूँगी पूरा, और सही है तो भर ले जाना, वो भी ठीक था 10-12 दिन से। तो बोली ब्लड और पानी चला के आप घर ले जाना, नहीं ठीक है, बोले अगर दवाई देकर दर्द उठाऊँगा नॉर्मल डिलीवरी हो सके तो कर दूँगी। वहीं ठीक है मैडम, इतने में भर्ती करवा ली मैंने, तो एक दिन रही वेंटिलेटर पर, कहीं घंटे नहीं लगा ऊपर, तो चिल्ला रही थी, दवाई वाई लगाई होंगे दर्द की, बच्ची दर्द हुआ उसे, चिल्ला रही थी कि ऊपर ले गए थे। फिर मैंने कहा नर्स थी वो बुरी बात चिल्ला रही थी खड़े होकर, भाई तो मैंने एक उनसे तकलीफ ज़्यादा हो रही है, मैडम को बुला दो, कोई मैडम नहीं आए थे घंटे, इतनी कहता था कोई मैडम नहीं, सांस उकड़ी कि बोले आई सी यू में करना पड़ेगा, आई सी यू में भर्ती कर दिया। दो आई सी यू में पूरी देर रहा, फिर सुबह हमने बच्चा फिर बोली बच्चा नहीं है तुम्हारा। कौन बोला? मैडम। कौन मैडम? डॉक्टर बोली थी मुझे, नहीं पता डॉक्टर का नाम पता है? डॉक्टर नहीं, वो बैठी होती है सेंटर वहाँ, उन्होंने अंगूठा लगाया, बोला आपके बच्चे नहीं, मैंने अंगूठा लगवाया, उन्होंने बैठी होती है, मैंने नहीं पता भाई, मैंने कोई बात नहीं, बच्चा खत्म हुई तो घर पर फैला गया, चक्कर में डी बताई बोला था, बोली डिलीवरी होनी रही है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैं समान लिया कर दो, फिर दो डेट से मैं बेहोश में रखा करी 2 दिन लोगों ने बर्थडे लीटर, 2 दिन बाद तब मैंने छुट्टी कही तो सुबह भोज में ले आए, अच्छी बोल रही थी। कल सर ने मुझसे बोला था डॉक्टर सर ने कि आपकी बीवी 90% ठीक है, 10% है, 90% ठीक है, आप दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा आज, कि मुझे बोले पेमेंट जमा कर दूँ। मैंने पेमेंट टाइम पूछा, पेमेंट इतना हाई फाई था तो मैंने थोड़ा लोन को बुलाया, मैंने पूछा कि क्या है, मैंने बताया समझा तो दो, कि अलग अलग करके समझाया मुझे कि बेड का इतना है, कि मॉनिटर का इतना है। कितना पेमेंट बताया? एक दिन का 18,000। 18,000 बल्टी, 2 दिन बल्टी में रही, 2 दिन आईसीयू में, मुझे मशीन हटा दी। दो दिन डेथ कब हुई है? डेट आज सुबह। आज सुबह क्या बताया? बोले सिर्फ डेट होगी तो वही सुबह जब हटाया था वहाँ से आईसीयू में, बोले बिल जमा कर दो तब इतने दिन हटी आएगी वहाँ से, एक मरीज को उठाया कुर्सी बैठा दी, कुर्सी बैठा दी, मशीन से बैठा दी, कुर्सी बैठा रही, फिर 3-4 घंटा कुर्सी बैठा रहा हूँ, बिल जमा नहीं हुआ तो 3-4 घंटा कुर्सी बैठा रहे थे, तो मैंने बिल जमा, मैंने पैसे से मंगवाए एकदम जमा नहीं हुआ, पूरा बिल बता रहे थे, तो 5-3 हज़ार जमा करा मैंने, तो मरीज को 5 बजे शिफ्ट किया है। कहाँ रहते हो आप? चनेटी। क्या करते हो? मजदूरी। पत्नी का नाम? प्रियंका। प्रियंका। आपके पिताजी का नाम? चंद्रपाल। भर्ती कब कराया था? 4 तारीख को। 4 तारीख से लगातार ये चला था।